अभी देख सकते हो एकदम से क्या हुआ। गोलू ने एकदम से चिल्लाने लगा, गोलू कि आग लग गई, आग लग गया है भाई को। भाई बीड़ी ले ले मेरे से, पैसे ले ले मेरे से। बीड़ी तेरे पास क्या कर रही है? गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइस कैसे आप सब? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप सब कैसे हैं? सो गाइस आज ब्लॉग की शुरुआत होगी किचन से, और ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा हूँ मैं। सो एग ऑमलेट बना रहा हूँ, लाइट कम है, लाइट लगा दो। सो गाइस मैं इसके अंदर मिक्स करके एग ऑमलेट बना रहा हूँ। सो इसका साइज देख लो कितना ज़्यादा फूला फूला है, काफ़ी ज़्यादा गोल गोल सा लग रहा है, मतलब ये बबल टाइप का लग रहा है। तो मैंने एक टेस्ट भी किया, काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है, टेस्ट तो वही होगा। सो और मैं सोच रहा हूँ एक ऑमलेट और मैगी बनाया जाए, पता नहीं कैसा कॉम्बिनेशन है, लेकिन ट्राई करते हैं। सो ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या प्लान है। तो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ और ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी टाइम हो रहा है, अच्छा अभी टाइम हो रहा है 7:30 और मैं रेडी हो चुका हूँ, और अभी जा रहे हैं हम मैगी खाने। सॉरी मैगी तो बोलूँ ना, तो हम जा रहे हैं मोमोज खाने, जल्दीबाजी में कुछ ही बोल देता हूँ। सो मोमोज खाने जा रहे हैं, वन एंड ओनली जायका किंग। सो वहाँ पे जाके मिलता हूँ आपको, वहाँ पे जाके दिखाता हूँ आपको। सो गाइस आ रखे हैं जायका किंग के फेमस मोमोज खाने। जायका किंग की लाइट नहीं जल रही है तो आपको शो होता। सो मोमोज खाते हैं फिर निकलते हैं, और हम अकेले आते हैं कि हमारे साथ कोई खाने के लिए है नहीं। जो भी आना चाहे लिंक इन डिस्क्रिप्शन, इंस्टा का मैसेज कर सकते हैं। सो गाइस मोमोज तो खा लिए हैं, अब वापस चलते हैं घर। और हाँ गाइस मैंने गोलू के लिए ही मोमोज पैक करवा लिया, क्योंकि वह फिर बाद में बोलता मेरे लिए पैक नहीं करवाया, तो मैंने इसलिए पैक करवा लिया उसके लिए। सो जाम भी लग चुका है, शिट एक और रेड लाइट वेट करना पड़ेगा। गाइस हमें मोमोज खाने के लिए इतनी दूर आना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ स्वाद के लिए। सो गाइस बाइक देख लो कितनी गंदी हो रही है, कपड़ा भी नहीं मारा जल्दबाजी में। एट द एंड इसका मुझे टेम्पर मिला नहीं, और नेमिनेशन में सोच रहा था नहीं करवाऊंगा, टेम्पर आता है मैंने एक वीडियो में देखा था यूट्यूब पे, करोल बाग में मिलेगा इसका टेम्पर। तो स्पेशली इस चीज़ के लिए जा नहीं पा रहे, अगर कभी काम निकले करोल बाग का तो करवाएंगे। जाम खुल चुका है, नाकाबंदी। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं नवाबों की बस्ती खोड़ा में। सो गाइस कैमरा करते हैं बंद, नहीं तो आप लोगों ने पूरा रास्ता देख लिया, सीधा घर पहुंच जाओगे। गाइस आते के साथ ये बैग चेक करने में लग गया, अबे नहीं ला पाया पागल, लेट हो गया। सो गाइस अब ये खा रहे हैं मोमोस, और कुछ नहीं है अब तो, उसमें चार ढूंढ रहा है। गाइस अभी देख सकते हो एकदम से क्या हुआ, गोलू ने एकदम से चिल्लाने लगा, गोलू कि आग लग गई, आग लग गई। सो ये वाईफाई का वो है, ये पूरा जल गया था, आग इसी में लग रखी थी, ऊपर तक चली गई थी, बस ये इसकी वजह से ये बच गया ऊपर वाला, ये स्टील का है ना। सो गाइस इसमें पूरी आग लग गई थी, फिर पता नहीं कैसे हुआ, इन्वर्टर की लाइट भी ब्लिंक करने लगी थी तो घर की पूरी लाइट चली गई। लाइट देना दे तो दी लाइट, इस रूम में आ गई लाइट, तो लाइट देख लो गाइस ब्लिंक करने लगी है। सो गाइस पता नहीं क्या हो रहा है, फिर सबसे पहले वाईफाई वाले को फ़ोन करता हूँ, ये कल चेंज करके गया है वाईफाई वाला, पुराना वाला आई थिंक यहीं पड़ा होगा, ये चेंज करके गया, पता नहीं कैसा लगा के गया है, इसमें आग लग गई है। तो सबसे पहले उसे फ़ोन करता हूँ और बताता हूँ उसे। हेलो मैं कह रहा हूँ भैया, कोई जो कल चार्जर लगा के गए थे ना आप,
उसी में आग लग गई अभी। बोर्ड चेक करवाइए आप अपना। बोर्ड की वजह से हुआ है? अब पूरा आग ही लग गया, मतलब अभी पूरा इन्वर्टर ही पूरा बोल गया। तो अब चार्जर का तो करना पड़ेगा दूसरा। मैं भैया कह रहे हैं कि बोर्ड में दिक्कत है, मतलब मुझे भी ये लग रहा है कि इन्वर्टर में ही दिक्कत है, क्योंकि कल भी एक चार्जर फ्यूज हो गया था, इन्वर्टर लाइट जाने के बाद ब्लिंक कर रही है लाइट, मतलब पावर सप्लाई अप एंड डाउन हो रही है। सो उसके चक्कर में ही हुआ है, सो इन्वर्टर वाले को फ़ोन करते हैं। सो गाइस अभी लाइट आई है, तो ऑन हुई है लाइट, इन्वर्टर तो काम नहीं कर रहा है। और इन्वर्टर वाले भैया को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि कल आ पाएंगे, और वाईफाई वाले को फ़ोन किया तो वो कह रहे हैं कि बोर्ड में दिक्कत है, बोर्ड सही करवाओ, मैं चार्जर दे जाऊँगा। हर जगह दिक्कत ही दिक्कत चल रही है भाई, अब देखते हैं। सो गाइस बोलू इन्वर्टर का पानी ले आया है, पापा कह रहे हैं इन्वर्टर का पानी ख़त्म हो गया इसलिए ऐसी दिक्कत आ रही है। कैसे हिलते डुलते आ रहे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं स्टोर रूम में, और अब इसमें पानी डालते हैं। गोड़ लेके आइए पानी। तो ये इन्वर्टर हटा लिया, अरे ढक्कन तो खोल लेगा। अब बैटरी में पानी डालते हैं। सो गाइस मुझे नहीं पता हाथ से खोलना सेफ है कि नहीं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। सो वीडियो को लाइक करिएगा, बिजली हमें मिलेगी गाइस को नहीं। ओह नहीं गाइस, ज़्यादा करंट नहीं है, हल्का फुल्का है। स्टील का यूज नहीं कर रहे क्योंकि स्टील जो होती है रिएक्शन कर जाती है। गुड सप्लायर ऑफ स्टील, गुड सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा ये भी होता है। सो गाइस अब चेक करते हैं, ये अगर ऊपर तक पहुंच गया डेड वाला तो मतलब आने सही है। और डाल दे पानी, पानी डाल दिया, ये देख लो और ला दो। रेड वाला ऊपर तक चला गया, मतलब ये रेड यहाँ तक आ गया, और बाकियों में देख लो। बिजली देगा कम है, तो सब में पानी डालते हैं और फिर मिलता हूँ आपसे। सो गाइस इन्वर्टर के चक्कर में ये लाइट भी फ्यूज हो गई है, ये लाइट फ्यूज़ हो गई है, और गैलरी की भी लाइट फ्यूज़ हो गई है, और अभी ट्यूब जला रखी है ट्यूबलाइट। सो भी कोई सॉल्यूशन तो निकला नहीं है, कल पापा ने इन्वर्टर वाले को फ़ोन कर दिया, कल इन्वर्टर वाला आ जाएगा, सो वही देखेगा क्या प्रॉब्लम है। बाकी पानी वगैरह भी डाल दिया तो उससे भी कोई रिजोल्यूशन मिला नहीं है। सो गाइस अभी गोल ने एकदम से लाइट जलाई और भम आवाज आई, और इस रूम का भी ये उड़ के गिरा है। और ये देखो क्या हाल हो गया। सो पता नहीं गाइस इसका कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ था, लेकिन अभी तो हमने इन्वर्टर बंद कर रखा है। एमसीबी गिर गई, इधर देख रही हो एमसीबी गिर गई बीच वाली अपने आप। लाइट बंद है अभी? हाँ। और इस रूम का कैसे बंद हुआ? इस रूम का एक ही है। सो गाइस एमसीबी भी अपने आप गिर गई, गोलू ने लाइट जलाई और एकदम से भम आवाज। सो ये लाइट जला के देखते हैं। मत कर, ये लाइट तो जल गई, मत ये जलाइयो, वो फूट रखी और क्या ये जलाइयो। तो इसे निकालते हैं पहले आराम से, ऑन मत करियो। सो गाइस बहुत देर से सब्सक्राइबर आवाज लगा रहे हैं, सो गेट खोलते हैं। आई एम बिग फैन। गाइस कोई हथियार तो नहीं लाए हो? ये सब्सक्राइबर आ चुके हैं। मेरे कुछ मेहमान आए हैं, मेहमान को भी कुछ। ओ भाई लाइटनिंग तो बहुत बढ़िया हो रही है। यार घर में आग लग गई थी पता है, कैसे लाओ में देखियो करो। आए थे भाई एक बार बता, सृष्टि है कौन जो जिससे बातें करता रहता पूर्व? दोस्त है यार, कोई नहीं दोस्त। तो हमें भी दिखाते भाई चैट वैट।
टेलीग्राम पे करता था भाई। किसके नाम पे? टेलीग्राम पे भाई। कोई नहीं है भाई, मैं जानता हूं भाई। अबे बताना शर्मा के लड़के ने कपल लाया मैं उसके लिए, तो नया फोन भी ले आया। हां भाई, योगी सरकार का फोन है। मैं वही देख रहा था, तू कब शर्माएगा। दिखा दे सकल भाई, देखो पढ़ने नहीं दे रहा तुम। सी एस्पिरेंट तो भाई पूरा ध्यान है पढ़ने में, देखो डेडिकेटेड। कुछ बनाए खाने के लिए? हाँ भाई बनाते हैं। क्या? पास्ता बनाते हैं। फिर क्या बनाया? चिकन मैगी। चिकन मैगी, चिकन विंग्स, केएफसी वाली मस्त वीडियो आ रही है। नशे करते हुए पकड़ा गया, बल्ब के नशे करते हुए पकड़ा गया। नशे कर रहा है ये, बहुत गंदे गंदे नशा है भाई वो। भाई बीड़ी ले ले मेरे से, पैसे ले ले मेरे से, दिला दूंगा बीड़ी तेरे पास क्या कर रही है। भाई मैं दिला दूंगा बीड़ी। कौन सी दुकान पे मिलती है? कौन सी भाई, हर जगह मिलती है, जहाँ से तू खरीदता है भाई। लेकिन ये तो बता, सब पता है। लेकिन ये तो बता, बीड़ी कौन सी टॉफी होती है? कोके की मिलती है। कौन सी बीड़ी का नाम बताइए भाई? मैं नहीं पीता भाई तेरे जेरा। मैं नहीं पीता तेरे जेरा। कह रहा है 502। हाँ और क्या नाम है था? देख नाम है था? बीड़ी के कारखाने में ही तो काम करता है। बीड़ी का कारखाना भी होता है। कैंटीन में मिलती है ना बीड़ी? हाँ वेट कर रहे हैं कब शर्माएगा। देख भाई यहाँ पे नजरों से नजरों मिला। अमीर लोग होते हैं तुम लोग यार। सही कह रहा भाई, क्या चलता है ये फॉर्मूले तो कभी सोचा भी नहीं चल पाएगा कि मुझे हमारे पास तो। और ये दिनेश का देख लो कवर, लड़की वाला। भाई मेरा ये वाला मोबाइल है बिना कवर, तो सवेद का। सवेद हमें पता है, सवेद हमें को पता लग गया। तो गाइस खाना भी रेडी हो चुका है और दिन में सब्जी बनाई थी तो वही सब्जी बची हुई है। और गोलू अपने लिए चावल बना रहा है और मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, सो मैं अपने लिए मैगी बना रहा हूँ। देखेंगे अगर रात में भूख लगती है तो फिर खा लेंगे। मैगी खाने का मन था और मैगी बन गई है, मैगी खाते हैं फिर देखते हैं। सो गाइस अभी देख लो ये मना कर रहा था कि चावल ज्यादा बन जाएंगे। सो गाइस देख लो अभी ये मना कर रहा था कि चावल ज़्यादा बन गए हैं तो मैगी क्यों खा रहा है, और अभी ये खुद चम्मच लेके बैठ चुका है मेरे प्लेट में। अब क्यों खा रहा है? सो गाइस इसमें हमने मेयोनीज भी डाल दिया, मेयोनीज वाली मैगी काफ़ी अच्छी लगती है, सो ट्राई करना अभी। सो गाइस हमने तो मैगी खा लिया था और गोलू अब खाना खा रहा है। तो ये सब्जी देखो कितनी मस्त है, देखते हैं इसको। इस पे नहीं, इस पे। सो गाइस खाना पीना डन हो चुका है और अभी मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ अपने लिए, क्योंकि एडिटिंग करने बैठूँगा सो नींद आ रही है, तो कॉफ़ी बनाते हैं फिर एडिटिंग करता। सो इसका मैंने पैकेजिंग रखा। सो गाइस हमारी कॉफ़ी रेडी हो चुकी है, सो अब कॉफ़ी पीते हैं और एडिट करते हैं वीडियो को। और इस वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड और मिलता हूँ कल आपसे एक और बेहतरीन ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय बाय। और गाइस मैं डेली ब्लॉगिंग करता हूँ सो आप डेली ब्लॉग्स देख सकते हो। बाय गाइस।